फिफ्थ पॉइंट इज पायलट सर्वे. आई एम रिपीटिंग, पायलट सर्वे का मतलब होता है कि ट्रायल रन्स कंडक्ट करना इन्फॉर्मेंट्स के सामने. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट ट्रायल रन्स इन फ्रंट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स. ओके, एंड इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, देन रीफ्रेम द क्वेश्चन. इफ दे आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देन रीफ्रेम द क्वेश्चन. लिख लिया है फिफ्थ पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ओके, कमिंग ऑन टू सिक्स्थ वन. यार सिक्स्थ क्वालिटी, मुझे लगता है ये पॉइंट मैंने कल डिस्कस नहीं किया था. इंस्ट्रक्शंस. नो ओके, मैम। इंस्ट्रक्शंस का मतलब है यार, क्वेश्चनेयर में कोई भी क्वेश्चनेयर हो उसमें इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आपको वो फिल किस तरह से करना है. तुमको आंसर शीट भी मिलती है, कभी तुमने एग्जाम में आंसर शीट देखी हो तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है, राइट? यस मैम, या उसमें फिर कोई इंस्ट्रक्शंस फॉर्म भी हैं। मिलता है तो उस पर भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं. फिल इट इन कैपिटल लेटर्स, फिल इट विथ अ ब्लू और ब्लैक पेन. देखे हैं इस टाइप के राइट नीटली, राइट इंस्ट्रक्शंस? नीटली। यस, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. तो कोई भी क्वेश्चनेयर होता है ना, उसको फिल कैसे किया जाना है उसके इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन होने चाहिए उस पर. ओके, मैंने इसके अलावा कैलकुलेशंस वाला पॉइंट बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई टोल्ड यू कि इस टाइप के मतलब जो भी क्वेश्चनेयर्स होते हैं उनमें रिक्वेस्ट होना चाहिए टू रिटर्न बैक द क्वेश्चनेयर एट द एंड. ये सब मैंने बताया था ना? यस मैम। ओके यस ओके, तो सिक्स्थ पॉइंट लिख लो यार. छः से ज़्यादा क्वालिटीज़ ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है. सिक्स्थ लिख लो, एक और एडिशनल लिखवा दूंगी. ठीक है, लिखो प्लीज. द क्वेश्चनेयर शुड कंटेन, द क्वेश्चनेयर शुड कंटेन द इंस्ट्रक्शंस, द क्वेश्चनेयर शुड कंटेन द इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ इट इज टू बी फिल्ड, अबाउट हाउ इट इज टू बी फिल्ड. एक आखिरी पॉइंट लिख लो. मैम, इंस्ट्रक्शंस का इतना सही है ना? हाँ, इंस्ट्रक्शंस में इतना सही है. ठीक सेवेंथ लास्ट पॉइंट यार, रिक्वेस्ट टू रिटर्न. अ गुड क्वेश्चन यार शुड कंटेन अ रिक्वेस्ट एट द एंड. अ गुड क्वेश्चन यार शुड कंटेन अ रिक्वेस्ट एट द एंड टू रिस्पॉन्ड एंड रिटर्न द क्वेश्चन यार, टू रिस्पॉन्ड एंड रिटर्न द क्वेश्चन यार. टू रेस्पॉन्ड एंड रिटर्न द क्वेश्चनेयर. लिख लिए सारी क्वालिटीज? यस मैम। रिपीट करो यार सारे पॉइंट्स. सबसे पहले इट शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर ऑर्डर, सेकेंड एंड इट शुड बी इन नॉन इट शुड बी कंट्रोवर्शियल। प्रिसाइज, स्मॉल, यस, थर्ड नॉन नॉन कंट्रोवर्शियल नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, यस, सिंपल 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 सिंपल. इट शुड बी पायलट सर्वे, सिंपल, पायलट पायलट सर्वे, इंस्ट्रक्शंस पायलट सर्वे, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शंस, एंड लास्ट रिक्वेस्ट टू रिटर्न. वेरी गुड. अब देखो, मैंने तुमको बताया था कि पहले अपन क्वेश्चनेयर समझ लेते हैं, फिर अपन मेथड पे आएंगे. द मेथड वॉज इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स. इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर दो तरह से मिल सकती है यार. पहला तरीका,
इंफॉर्मेशन थ्रू मेलिंग क्वेश्चनेयर. इन्फॉर्मेशन थ्रू मेलिंग क्वेश्चनेयर मतलब आप इंडिविजुअली सबको मेल भेज सकते हो. जैसे बहुत सारे सर्वे ऐसे होते हैं ना जिसपे बहुत सारे ईमेल्स पे मेल्स भेज दिए जाते हैं और आपको उनको रिस्पॉन्ड करना होता है. क्वेश्चनेयर होता है, कुछ सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं वो लोग कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट प्रेफर करते हो, आप क्या कॉस्ट पे लेना चाहते हो वगैरह वगैरह. देयर कैन बी सेवरल काइंड ऑफ सर्वेस. वो लोग क्या करेंगे, केवल आपको मेल कर देंगे. ठीक है, वो क्वेश्चनेयर मेल्ड रहेगा, उस पर इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चनेयर फिल करना है. आपको वो क्वेश्चनेयर फिल करना होगा और उसमें रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप फिल्ड क्वेश्चनेयर हमें वापस भेज दो. ठीक है, तो ये पहला तरीका है इन्फॉर्मेशन थ्रू मेलिंग क्वेश्चनेयर, जहाँ पे तुम डायरेक्टली वो फॉर्म खुद फिल करोगे, है ना. अरे आ रहा है क्या समझ में? Yes, ma'am. आप बताओ ये तरीका सूटेबल कहाँ है, छोटे एरिया में कि बड़े एरिया में? मैम अगर खुद करेंगे छोटे एरिया में, वाइड. अरे मुझे बताओ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या सर्वे कंडक्ट करवा रही होगी वो छोटे एरिया में करवा सकती है या बड़े एरिया में भी करवा सकती है? बड़े एरिया में भी करवा सकती है. यस, दिस मेथड इज सूटेबल इन वाइड एरिया. क्या दिक्कत है यार, मेल ही तो भेजना है, राइट. बहुत सारे लोगों को चूज कर लो, उनको मेल डाल दो, राइट. वेरी इजी. बहुत बड़ा एरिया कवर हो सकता है. कौन से तुमको उनसे वन टू वन बात करनी है, यू डू नॉट हैव टू एस्टैब्लिश पर्सनल कॉन्टैक्ट विद देम, राइट. तो भाई बहुत बड़ा एरिया कवर हो सकता है इसमें. तो आप बहुत सारे लोगों के ईमेल आईडीज कलेक्ट करो, उन सबको एक साथ मेल भेज दो. दिस कैन बी एन ईजी वे. लेकिन एक और कंस्ट्रेंट है इस मेथड के साथ, वो ये है कि ये मेथड केवल एजुकेटेड लोगों के साथ चल पाएगा, राइट और नॉट. केवल वो लोग जो उन्हें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, केवल उनके साथ ये मेथड चल पाएगा, है कि नहीं? Yes, ma'am. है ना. तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो विद दिस मेथड. अब मुझे बताओ मेरिट्स क्या है इस मेथड की? वाइड कवरेज. इट कवर्स वाइड एरिया. सेकेंड, बहुत एक्सपेंसिव है क्या ये मेथड? नो मैम, इट इज हाईली इकोनॉमिकल, है ना. सस्ता मेथड है. और लेस टाइम कंज्यूमिंग. एब्सोल्युटली करेक्ट. एक और फायदा है यार, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन और कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन. हाँ, कंटीन्यूअस इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो इसके साथ प्रॉब्लम रहेगा यार. हाँ, वो अगर देखेगा कि नहीं देखेगा. हाँ, तो लिसन, इसका एक और फायदा वो ये है कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलेगा. क्यों? क्योंकि जिनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली वही आपको रिप्लाई कर रहे हैं, राइट. अब इस मेथड के नुकसान क्या? ओनली फॉर लिटरेट. एब्सोल्युटली करेक्ट. लिमिटेड लोगों के लिए ही सूटेबल है ये मेथड. ये हर किसी पे सूट नहीं हो पाएगा. इट इज ओनली फॉर एजुकेटेड पीपल, लिटरेट पीपल. एक और नुकसान है इसका, बहुत बड़ा, लैक ऑफ इंटरेस्ट. मैक्सिमम टाइम हमको भी अगर इस तरह के मेल आते हैं ना, हम इसको रिप्लाई नहीं करते हैं, है कि नहीं? Yes, कौन रिप्लाई yes, करता है, राइट. तुमको कोई फीडबैक फॉर्म भी भरने का बोलता है ना, तुमको इतना जोर आता है वो भरने में, क्यों भरवाना है, ऐसा वाला रिएक्शन होता है, है ना. तो यार जब आपको मेल कर रहा है कोई क्वेश्चनेयर, तो भाई फिर तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट कर लो, है ना. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस मेथड का कि आसान है, सस्ता मंदा है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब वेरी कन्वीनियंट मेथड, बस लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, राइट. देयर विल बी लैक ऑफ इंटरेस्ट एट द पार्ट ऑफ पीपल. समझ रहे हो बात को? Yes, ma'am. और तीसरा नुकसान इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने हिसाब से कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है.
नंबर यस मैम ओके तो लिखो यार इस मेथड का पहले हाँ जी बोलो मैम व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट डीमेरिट व्हिच यू टोल्ड जस्ट नाउ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यस मैम लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए यार क्योंकि देखो क्वेश्चनेयर बन चुका है भेज चुके हो आप लोगों को तो बस जो क्वेश्चंस हैं उसी का आंसर हो सकता है यार अगर सोचो यही मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता तो हम अपने हिसाब से क्वेश्चन कम ज़्यादा कर सकते थे ना मतलब मैं अगर तुमसे डायरेक्टली आके पूछ रही हूँ कुछ चीज़ें तो भाई मुझे लगता है कि ठीक है यार ये क्वेश्चन अब पूछने की ज़रूरत नहीं है ये पर्सन इस चीज़ का आंसर नहीं देगा मुझे या फिर तुमको देख के मैंने एसेस कर लिया कि मैं दो क्वेश्चंस और ज़्यादा भी पूछूंगी ना तो तुम मुझे बता दोगे तो आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन मैं जिस पर्सन से पूछ रही हूँ लेकिन जब क्वेश्चनेयर मेल हो जाता है तो फिर तो भाई वही फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मैं ना तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा सकती हूँ ना ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर सकती हूँ राइट यस मैम ओके दिस इज द प्रॉब्लम ठीक है प्लस अगर एक और प्रॉब्लम की बात करें तो वो ये है कि यार अगर कोई क्वेश्चन में किसी को डिफ़िकल्टी भी जा रही है समझने में तो अब कोई पर्सन है नहीं उसे उसकी डिफ़िकल्टी रिजॉल्व करने के लिए राइट यस मैम है ना तो भाई जो तुमको समझ आए बस उस हिसाब से आंसर कर दो और भेज दो राइट ठीक है एम आई क्लियर विद दिस मेथड Yes, ma'am. लिखो यार मीनिंग सबसे पहले इंफॉर्मेशन थ्रू मीनिंग क्वेश्चनेयर्स अंडर दिस मेथड क्वेश्चनेयर्स आर मेल्ड टू इन्फॉर्मेंट्स ma'am, please wait a minute. Okay. I'll repeat. Under this method, questionnaires are mailed to informants with a disclosure to keep the information secret. To keep the information secret. Ma'am, can you please repeat it again from after the disclosure? With a disclosure to keep the information secret. Also a request letter is sent to return back the filled questionnaire. To return back the filled questionnaire, FILLED, filled questionnaire. अगला है सब हेडिंग सूटेबिलिटी जैसे मैंने लिखे हैं उसी तरह से तुम्हें भी लिखना है दोनों पॉइंट्स वाइड एरिया एंड इफ पीपल आर एजुकेटेड ये मेथड तभी सूटेबल है लिख लिया है मैम वेट
यस मैम। कंप्लीट करो फटाफट। अब मेरिट्स यार, अगला सब हेडिंग। इसमें हेडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऐसा है, पहला मेरिट बताओ। वाइड कवरेज, वाइड एयर, वाइड लिखो, वाइड कवरेज। डिस्क्रिप्शन में लिखवा रही हूँ, हेडिंग डाल लो, वाइड कवरेज लिखो उसमें। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड बताओ। इकोनॉमिकल, ये मेथड लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस कॉस्टली है, राइट। दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव, दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। थर्ड ओरिजिनैलिटी, डायरेक्टली इंफॉर्मेंट ही इंफॉर्मेशन दे रहा है इसलिए ओरिजिनल डेटा मिलेगा। इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली गिवन बाय इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली गिवन बाय इंफॉर्मेंट। सो द डेटा विल बी ओरिजिनल, इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली गिवन बाय इंफॉर्मेंट, सो द डेटा विल बी ओरिजिनल। अगला सब हेडिंग डीमेरिट्स। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट लिखो। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज, दैट मैक्सिमम पीपल, that maximum people will not return back the questionnaire, that maximum people will not return back the questionnaire। दूसरा drawback, lack of flexibility, lack of flexibility the number of questions, the number of questions cannot be increased or decreased, the number of questions cannot be increased or decreased। तीसरा लिमिटेड यूज, लिमिटेड यूज लिखो इसमें। This method is only suitable for literates, this method is only suitable for literates, illiterates के लिए ये method suitable नहीं होगा।
दिस मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर लिटरेट्स. अब देखो यार, हमने देख लिया कि क्वेश्चनर प्रिपेयर करके डायरेक्टली लोगों को मेल कर दिया जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. दूसरा तरीका ये होता है कि क्वेश्चनर अगर प्रिपेयर्ड है तो इन दैट केस इन्वेस्टिगेटर एन्यूमरेटर्स अपॉइंट कर सकता है. एन्यूमरेटर्स ऐसे लोग हैं जो सर्वे कंडक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पे. अरे समझ रहे हो? यस मैम. ठीक है, जो एन्यूमरेटर्स होंगे ना, जैसे जनगणना होती है ना, सेंसस जो हमारे यहाँ 10 साल में होता है, वो सॉर्ट ऑफ इसी तरह का तो मेथड है. इन्फॉर्मेशन थ्रू एन्यूमरेटर्स, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है जो हर घर को विजिट करेंगे और फिर उसके बेसिस पे वही लोग वो डेटा फिल करते हैं. तुम सिर्फ, हाँ मैम, इस बार का सेंसस नहीं आया ना शायद? यार इस बार तो सिचुएशन ही अलग है. हाँ वही, कैसे कंडक्ट करेंगे ना, लोग आउटसाइडर्स को परमिट ही नहीं करेंगे. राइट, ये बात भी सही है. नहीं मैम, बट वो तो एक्चुअली 4-5 ईयर पहले से चल हो जाता है ना. 10 साल में होता है, उसका प्लानिंग वगैरह भी होता है, बट यार अभी तो सिचुएशन वेर वेरी डिफरेंट. अभी तो कैसे कंडक्ट करवाएंगे, थर्ड वेव इज एक्सपेक्टेड सून. यस मैम. यस ठीक है, ओके कमिंग बैक. वो मोर और लेस इन्फॉर्मेशन थ्रू एन्यूमरेटर्स, ये इसमें होता क्या है, मतलब अपने घर पे कुछ लोग विजिट करते हैं, हम सिर्फ उन्हें, वो लोग जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनके पास भी एक फॉर्म होता है जिसमें वो नोटिंग करते जाते हैं, वो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं हम उनका आंसर कर देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं लिखते उसमें, वही उसमें लिखते हैं, नोटिंग सारी वही लोग कर रहे होते हैं. ऐसे लोग कहलाते हैं एन्यूमरेटर्स, जो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए. ठीक है, अब बेसिक डिफरेंस इन दोनों मेथड्स में यह है कि उसमें जो फर्स्ट वाला था इन्फॉर्मेशन थ्रू मेलिंग क्वेश्चनेयर, उसमें जो क्वेश्चनेयर है वो डायरेक्टली कौन फिल कर रहा था? इन्फॉर्मेंट. ठीक है, इन्फॉर्मेंट. यहाँ पे वो जो क्वेश्चनेयर है वो कौन फिल करेगा? एन्यूमरेटर. एन्यूमरेटर. ठीक है, जो क्वेश्चनेयर एन्यूमरेटर फिल करते हैं ना उसे स्केड्यूल बोला जाता है. क्या बोला जाता है उसे? शेड्यूल. ठीक है, शेड्यूल. हाँ शेड्यूल्स बोलते हैं कुछ लोग, स्केड्यूल बोलते हैं. ठीक है, बेसिक फायदा इसका ये रहेगा कि यार जो ड्रॉबैक्स मेलिंग क्वेश्चनेयर में थे कि लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं या फिर जो इलिटरेट्स हैं वो तो कवर ही नहीं हो पाए, वो सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे. क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एन्यूमरेटर्स अपॉइंटेड है तो वाइड एरिया भी कवर होगा. आप क्योंकि 1-to-1 क्वेश्चन करोगे लोगों से तो इवन इलिटरेट्स विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर, उनकी लैंग्वेज में आप समझा के उनसे पूछ सकते हो. और नेक्स्टली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि लोग आपको रिप्लाई बैक ही नहीं कर रहे हैं, है ना, आप 1-to-1 डील कर रहे हो हर एक से. तो ये सारे ड्रॉबैक्स जो पिछले मेथड में थे वो सब कवर हो जाएंगे, लेकिन मेजर ड्रॉबैक इज ये मेथड एक्सपेंसिव होगा, है ना. Yes, ma'am. इतने सारे लोगों को अपॉइंट करने में उनको पे भी करना पड़ेगा और ये मेथड महंगा पड़ता है. ठीक है, तो आज मैं इसका मीनिंग लिखवा रही हूँ, कल वील कंटिन्यू विद इट्स पॉइंट्स ऑफ सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. तो मीनिंग लिख लो पहले. ओके मैम. इन दिस मेथड Investigator appoints enumerators who will collect the information from informant. Ma'am. हाँ. Ma'am, please एक बार repeat कर दो. I'll repeat. In this method, investigator appoints enumerators who will collect the information from informants and fill it themselves.
fill it themselves. When the questionnaires are filled by enumerators, when the questionnaires are filled by enumerators, they are known as schedules. They are known as schedules. Are filled. When they are filled. I'll just repeat. When the questionnaires are filled by enumerators, they are known as schedules. मैंने स्पेलिंग सबकी लिखी हुई है ना, जस्ट चेक. अब कल वील कंटिन्यू विद इट्स सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है.